समीर चौधरी अकेले हो गलो दीदी अब, क्योंकि जिस राक्षसनी का वध करने के लिए समीर चौधरी खड़ा हुआ ना, अब हमको बहुत दीदी लोग फोन कर रही है कि समीर भैया आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि दीदी आप बताइए कि कोई भी महिला इज्जत खोजता है कि नहीं? पुरुष भी खोजता है, महिला भी खोजती है। सबसे ज्यादा इज्जत महिलाओं के लिए होता है, डेफिनेटली होता है, एग्री। अरे पुरुष का की हो भैया, पुरुष के की है कि आज ठीक है ना है ना है कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी महिला वो बहन हो भाई हो, लेकिन जिस प्रकार की गंदगी फैला रही है आप तो सबके लिए करते हैं। हाँ, सब महिलाओं के लिए। हाँ। आखिर में ये राक्षसनी के लिए आप क्या कर सकते हैं? नहीं, आप क्या चाहते हैं? हम क्या करें? हम यही चाहते हैं कि इसका आप दोनों हाथ से झोंटा पकड़ के इसको पकड़ के बिहार ले आइए। रीजन यही है कि देख लीजिए कि आखिर में जो महिला संगठन के समाज के जो एकता बनैले है, आए हमारे दीदी सब जब यहाँ है ये है तो उसका भाई को खड़ा क्यों होना पड़ा? लोग हमको ये भी बोल रहे हैं कि भाई तू महिला कैसे बोल रहा है? नाम नहीं रखा। अरे भैया उसका नाम है भेलपुरिया भौजी, कोई गोरखपुरिया भौजी मत बोलिएगा, इसलिए कि हमको गोरखपुर से बहुत फोन आया। राक्षसनी है। अरे भैया के बात इसलिए बोल रहे हैं, सुन लीजिए, राक्षसनी है या नहीं है, हम लोग ये मुद्दे की बात करें, अश्लीलता फैलाने पे बात करें। हाँ। हम अभद्र, मेरे सामने कम से कम अभद्र भाषा का देखिए वो क्या होता है ना कि हम इतने कहेंगे ऐसा नहीं है दीदी, देखिए हम तो इतने जानते हैं कि जब काली मैया या दुर्गा मैया जब रूप लेती है ना तो वो ये नहीं देखती है कि सामने वाली नारी है कि वो कौन है कि क्या है। हम तो इतना ही जानते हैं कि जब मतलब जो आदमी जो महिला अगर अपने आप को महिला न समझ रही हो तो की कहवे दीदी, आपने उसका पुतला जलाया इससे हमको कतई कोई आपत्ति नहीं हुआ। अच्छा लगा? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो समाज आपको ऐसा लगा कि उसने गलत किया और उसका विरोध होना चाहिए, आपने उसका पुतला जलाया और उस वो बात से हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपने उसके मुंह पे ना चप्पल जो मारा ना इस बात से नाम नहीं आ रहा है। हाँ, रिंकी, रिंकी निषाद के मुंह की बात हो रही है, नहीं नहीं भेलपुरिया भौजी, उससे क्या होता है? गोरखपुर का नाम मत लीजिए आप लोग बोल रहे हैं एकदम। हाँ, तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि उसमें थोड़ी सी आपत्ति इसलिए जनी क्योंकि देखिए भाई सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाने वालों में अकेली वो महिला नहीं है, उसके साथ जाने सैकड़ों लोग हैं। तो सैकड़ों लोगों में कहीं ना कहीं पुरुष का भी उतना, आप बाबू के बेबी के बारे में क्या कहोगे? नहीं समझे, पुरुष का तो हम तो खोज रहे हैं बाबू को, मारेंगे इनाम दीजिए ना, इनाम समीर चौधरी रख देंगे। भाई आप देख वो गोरखपुरिया भौजी जो बोल रही है, ठीक है जो भी टीआरपी ले रही, मान लिया आपकी बात, बाकी बाबू का बेबी जो वो उसके बारे में आप बोलिए। एक बार भाई आप नहीं बोलिए, उसका देखिएगा उसका देखिए बाबू का बेबी कह रहा है। जाना ही है, भाई मेरे 10,000 रुपया समीर चौधरी इनाम दे रहा है, पुरुष की बात नहीं, वो भी अपनी महिला को ही बोल रहा है। तो कर कौन रहा है? पुरुष कर रहा है ना भाई, तो ये भी तो पुरुष है ना, एक बीच में देखे हम बता दे पूरा खुलासा आज कर रहा है समीर चौधरी किसके लिए 10,000 बोल रहा है। हाँ, बेबी के बाबू जो है उसके नाम पे इनाम रखा गया, जो भी हमको एड्रेस बताएगा जो भी बताएगा समीर भैया ये फलाने जगह पे है समीर चौधरी, क्यूँ वहाँ पहुंचेगा? जैसे क्यूँ मैसेज जाता होगा ना, पहुंचेगा तो हम देखिए हम इतना ही जानते हैं दीदी, देखिए पूरा खुलासा समीर चौधरी कर रहा है। देखिए आज क्या हुआ, अमरेश पुरी जी को सब कोई जानता था, तो ये भेलपुरिया जो है ना ये अमरेश पुरी बनी हुई है। आप इतना देखिए ना कि अभी 10 दिन से जो सोशल मीडिया पर लोग उसको देख रहे, पहले से कोई नहीं जानता था, आपने नहीं जानते थे? हम नहीं जानते थे, कभी कभी देख लेते थे। तो हम इतना ही जानते कि बहुत कम ही लोग थे जो उसको जानते थे कि ये वो कोई ब्लॉगर है, लेकिन जब हम भी इसको देखे ना तो इसका कोनो वीडियो में ये नहीं दिखता है कि आखिर में बेटियों के साथ अत्याचार कैसे होता है। हाँ। आखिर में बेटियों के साथ ससुराल में किस तरह से बिहेवियर रखा तो जाए, सोशल वर्कर तो नहीं ना है भाई, इसमें दिखावे चाहेंगे तो नहीं ना है सोशल वर्कर वो। अरे भाई समझो, अरे भाई समझो, ये ब्लॉग बनाती है, यूट्यूब पे मदद की है, पैसा कमाती है, इसका बिजनेस है। समीर जी आज मालती का जान गई है, इसका सबसे बड़ा दोषी कौन है? अमरेश पुरी ये जो बनल है भेलपुरिया भौजी, नहीं आप बता रहे क्या है? देखिए वो जो मालती का पति है ना, अब मालती के बीच में लड़ाई होता, ठीक है ना, ये लड़ाई के सबसे फायदा लिया है पड़ोसिया, पड़ोसिया कौन थे? ये भेलपुरिया, क्योंकि आज ये बात है दीदी जानते हैं उन्हें गोतिया का लड़ाई में मजा ले लेता है पड़ोसिया, हाँ वो जगह बना लेता है अपना। सो हम इतना जानते हैं कि मालती के मैटर में ये घुसी, और घुसी कब से, तो पहले से इन्वॉल्व थी, लड़ाई होता था तब, क्योंकि मालती को लगता था ना कि कोई हमारे दीदी हमारे सपोर्ट में है, वही नहीं जानती कि दीदी बड़का सफेला हवा है ना, तो वो दीदी जो है ना वो दीदी के नाम पर आज इसको ले गया। और कहीं ना कहीं हम इतना जानते हैं कि उसका जो पति है क्या नाम है,
विष्णु नहीं नहीं महादेव को तो अभी भी दीदी देखे फिर आप उसका नाम नहीं लीजिए क्योंकि हम महादेव के पुजेरी है हाथ में देखे त्रिशूल बने ले ओकरा तू जहिया मिल जाएगा ना ये ना के दांत तोड़ देबो कि तू भोलेनाथ के नाम बेचे थे हमारे महादेव को बोल अरे नाम दांत तोड़ने के अरे भैया का बात नहीं नहीं नाम नहीं है आपसे सवाल है बिना मानो दीदी की महिला है कहीं ना कहीं गोरखपुरिया जब हमेशा जब उस पर विरोध होने लगा टोल होने लगी तो बोलती है कि मैं महिला हूँ मुझे तंग कर रहे हैं परेशान कर रहे हैं लेकिन वो महिला होकर अंग प्रदर्शन करना पेटी कोट पर वीडियो बनाना बच्चे को दूध पिलाते हुए वीडियो वायरल करना बिल्कुल गलत बात आज तक कोई भी उसका वीडियो दूध पिलाते हुए नहीं नहीं हर वीडियो दीदी अब हम आपको बता रहे हैं अरे नहीं भाई अच्छा, उसके बच्चे दूध पिलाने वाले थे ही नहीं वीडियो में आप नहीं समझ रहे हैं आप वीडियो दिखा दीजिए हम बता रहे हैं देखिए क्या बात कर रहे हैं साक्ष्य पे बात कीजिए नहीं नहीं साक्ष्य पे ही बात होता है अब उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि साइबर सेल में जाके केस करना होगा क्योंकि उसका बहुत यूट्यूब चैनल जो है ना डिलीट हो गया वीडियो मालती का आया है दीदी नहीं 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 दीदी हम मैया क्रिया खा के बोल रहे हैं हम मैया क्रिया खा रहे हैं अपन बहन सब की क्रिया खा के बोल रहे हैं समीर चौधरी ने वीडियो देखा है कुछ ये क्यों अब हम बता रहे कि उसका वीडियो जब आया ना तो हम पूरा अभी खोजने लगे तो देख रहे हैं ना कि 2019 में इसका अब चैनल दिख रहा 20 में दिख रहा मैंने इसका जितना भी 18 में या 17 में जो चैनल चल रहा था ना सब बंद हो गया उस सब चैनल वाला टिकटॉक बंद हो गया ना ये सब टिकटॉक के समय से उछल कूद कर रही है अब काहे दीदी मैंने सवाल है देखो भाई तुम भी बोल लाख महिला है लेकिन महिला ना बाबा वो महिला ना है प्रणाम कर रही है तुम प्रणाम करो तुम उसको उजागर करो हमारा काम क्या है कि कोई गलत महिला है तो उसको अच्छी राह दिखाना उसको अच्छा आप दीदी नहीं देखे समीर चौधरी देखिए समीर चौधरी कहाँ गया था दिल्ली के जीबी रोड जाके एक महिला को सुधार बढ़िया काम करनी दीदी गोरखपुरिया को भी सुधार देखिए आप इनका न्यूज नहीं देखे हम देखे हैं शुरू से पहले ये भाई उनके गोरखपुरिया भौजी के हस्बैंड इनको फोन किए दीदी सही बोल रही है फोन किए तो ये बहुत प्यार से बात कर रहा था भाई बहुत प्यार से बात कर रहा था कि आप कौन है भाई आप से क्या बात करेंगे हम गोरखपुरिया भौजी से बात करेंगे ये बोल रहे हैं उसके बाद वो तो तुम तरक्कप उतर गई समझ गए ये हम साथ बस अच्छा हम इतना जानते हैं कि हम अपन तमाम दीदी लोग से हम हाथ जोड़ के विनती करें अगर लगा कि समीर को गुस्सा चला दीदी समीर चौधरी से अगर गलती अगर हुआ होगा आप लोग जूता चला के मारिए लेकिन समीर के बहन नहीं है मेरा कोई बहन नहीं है लेकिन हम तमाम बहनों से अब हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप लोग जाके हमारे देख लीजिए कि वीडियो इंस्टाग्राम पे हम हर चीज डालते हैं उसका एक्टर समीर चौधरी के पेज पे आप देखिए उसका हर अपडेट है लेकिन आप लोग से विनती है दीदी कि अपने समाज को बचाना जानते हैं दीदी तो हमने वीडियो बना के भेजिएगा दीदी को नहीं बोलिए भैया लोग को भी बोलिए कि समय बाबू को खोज के लाइए बेटी का बाबू सुनिए मेरी बात आप तो मेरी बात सुनिए भाग गया बाबू का बेबी जो है तो वो कौन है महिला है महिला को पकड़ के बाबू का बेबी जो है वो महिला है पुरुष है आज अगर महिला जितनी भी खराब हो अब पुरुष अगर शांत हो तो अश्लीलता फैलेगा नहीं फैलेगा तो कहीं ना कहीं महिला को खराब करने में पुरुष का हाथ होता है ये तो बात तो पुरुष भैया सबसे भी कह रहे हैं समाज कम से कम आप समाज में अपने माँ को माँ मत समझिए समाज की माँ भी माँ होती है अपनी बहन को बहन नहीं समझिए समाज की बहन होती है और आपको हर चीज का लिमिट बना हुआ है लिमिट में रहिए जानते हैं दीदी अपन हिंदुस्तान है हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के महिला के कपड़ा विदेशियन पहनता है नहीं पहनता है पहन के हरे कृष्णा करता है जबकि क्या चाहिए आप लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है ना कि विदेश का हम लोग के कल्चर यूज कर रहा है लेकिन हुआ के कल्चर हिया पहन पहन के वीडियो बना रहा है रे बप्पा कोई भी पति पत्नी जब बाजार में जाता है ना तो कोई किसी की पत्नी को जब ऐसे देखता है तो पति बोलता है पल्लू ऐसे करो क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा ना इज्जत जा रहा है हमारा हम अपनी इज्जत के साथ घूम रहे हैं तो कम से कम आप लोग भी ये समझिए गांव देहात की लड़की से आप शादी करते हैं आप दो क्लास पढ़ लेते हैं तो आप उसको आप इस लाइन में ढुका देते हैं क्या करते हैं अरे छोरो ना इज्जत के छोरो ना बांट के लेकिन वो आपके लिए नहीं छोरो अपने पिता से पूछिए अपनी माता से पूछिए सास ससुर से पूछिए आए दीदी ठीक बताया बिना मानवीय महिलाओं की बात करते हैं तो आप गोरखपुरिया भौजी के समर्थन करते हैं उनके साथ आप खड़ी हैं मैं गोरखपुरिया में समीर चौधरी उसका विरोध कर रहे नहीं विरोध समर्थन की तो बात ही नहीं, नहीं है यहाँ क्या हम लोग का बात है हमें समाज को स्वच्छ बनाने की बात तो उसके लिए समीर चौधरी उसकी जो गलतियां हैं उसको सुधारा जाएगा अब वो गंदा वीडियो पेश ना करे समाज में उसे रोका जाएगा और जो लोग कर रहे हैं उसे रोकने नहीं सुधरेगी नहीं सुधरेगी तो PIL फाइल होगा सुप्रीम कोर्ट में जैसे चार हम जा रहे हैं दीदी हम दिल्ली जा रहे हैं बिना मानवी बाबू की बेबी के लिए क्या कुछ करेंगे क्योंकि जैसे ये जलाए हैं उसका क्या ठोस कदम उठाएंगे आप उसका पुतला ठोस कदम क्या उठाएंगे ठोस कदम क्या उठाएंगे
बेबी का बाबू मिल जाएगा ना तो जूता खाएगा। और जैसे तो भाई के पास आओ, रिंकी निषाद के साथ जाके ये बाबू का पुतला जलाएंगे उसको, उसको अच्छा बनाने। अगर रिंकी ने काम छोड़ दिया, अच्छे अच्छे चीज ला रही है, उसका पूरा क्रेडिट समीर भाई को जाएगा। नहीं उतना नहीं, हम इतना जानते हैं कि समाज, एक मिनट सर पहले सवाल को सुन लीजिए। समाज में जितने भी देखते होंगे महिलाओं के साथ जो घटना होता है ना, अक्सर दीदी को देखते होंगे आप लोग, काहेल है। अरे भैया है समाज में अच्छे लोग, आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? अगर आपके ससुराल में कोई प्रताड़ित कर रहा है, अगर आपका पति आपको प्रताड़ित कर रहा है, अरे दीदी है आपका एगो भाई, आप फोन करके बोलिएगा हम लोग को, तब ना हम लोग आवाज उठावेंगे जी। दीदी ये बताइए आपकी जाएंगे उसके साथ पुतला जलाने बाबू की बेबी का, लेकिन वो सारे यूट्यूबर को मीडिया को चप्पल लेकर दौड़ाती है, चप्पल वो गलत है, वो भाषा का प्रयोग जो उसने किया है, गाली दी है दीदी, हमारे माई के गाड़ी दी है वो, हमको बहुत बुरा लग रहा है, यानी माँ मेरी बहन को गाली दी है। एक गलती है उसे बात करने नहीं आता, सुनिए माँ भी है महिला भी है, उसको रिंकी को अपने भाषा के मर्यादा का एकदम उसने उल्लंघन किया है, इसका हम विरोध करते हैं। माँ बहन किसी के भी मुंह से, महिला के मुंह से, सब पुरुष उरुष के मुंह से ठीक लगता है, चार को लड़का लड़ा माँ बहन कर दिया, अब लड़की भी वही करने लगेगी तो लड़का लड़की में फर्क क्या? बिल्कुल फर्क, माँ वो होता है जिसको पता होना चाहिए कि माँ क्या है। मारने की बात की है, क्या माफी मांगेंगे? अब चप्पल लेके जब दौड़ी आप लोग के पास, आप लोग कहीं नहीं मारे, अरे आप लोग छोटा कहीं नहीं नोच लिए, आप उस समय वहीं अटैक कर देते हैं, उस समय आप लोग कहाँ, उस समय आप लोग माइक कमजोर पड़ गया था, हम लोग यहाँ से नहीं पहुँचे, अरे आप लोग का माइक कमजोर पड़ गया था, मीडिया आए थे तो एक भी देखिए वहाँ जितने लोग भी गाली खाए हैं ना, अब तो मैं ये कहूंगी कि जितने लोग भी गाली खाए हैं वो उस लायक होंगे इसलिए खा लिए, जो उसमें ईमानदार होगा वो तुरंत वहाँ देखिए भोजपुरी हमें गाली, हमें गाली दे रही है, ये करे किसी ने समीर चौधरी के लिए वीडियो बनाती है, कहते हैं दोस्तों समीर चौधरी का आप लोग टेंशन मत लीजिए, समीर चौधरी छक्का है। हाँ वही नहीं, अरे वो तो हमरा बोले कोई बात ना है, दीदी जानते हैं हमरा बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमार दीदी के हमार माँ बहन सबको गाली दिया ना, दीदी राक्षसनी के हम राक्षसनीय बोल रहे हैं। अच्छा सुनो भाई, ओकर वीडियो हमेशा जो है ना, आपको विश्वास नहीं होना दीदी, आपको ऑडियो सुना दे दीदी, जो बहुत मेरे पास ना 1000 ऑडियो क्लिप आया हुआ है इस फोन पे, और तमाम महिलाएं बोल रही ना कि समीर भैया जो आप कर रहे हैं ना बहुत हमको खुशी हो रहा है। भाई तुम ज्यादा डिस्कस करके उसको स्टार ना बनाओ। हाँ ये तो बात है कि स्टार तो ज्यादा बनते जा रहे हैं, क्योंकि तुमको चीन रहा था गोरखपुर बिहार में चीन करेंगे और जाके ये बात सही, खुशी मनाओ 200 लोगों को रोजगार। अरे भाई हमें 200 के अपना नंबर पे बना देल को, बोले वाला बात ना हो, सुनो 200 के अपना गैंग में बना ले लेके। सुनो खुशी है हमें इस बात की कि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, हमारे बिहार में आज भी लड़कियां इतनी अश्लीलता वीडियो पे नहीं उतरी हैं। हाँ। अगर कोई होगी तो मैंने देखा नहीं, कहीं ना कहीं गर्व है तो ये उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत ज्यादा गंध मचा रहा है। हाँ। और योगी बाबा की इस पे नजर नहीं जा रही है। हम तो पहले भी बोले कि भले सरकार अंधा हो भैया, भगवान अंधा ना हो, अगर आज वो मरी है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरी है। अरे तुम राखी के डोड़ के नहीं समझी, दिनवा में भैया रतिया में सैया, उसको शरम आया तो शरम आया तो मर गए लोग जाके। इसी पे क्वेश्चन है, बहुत लोग जो हैं विष्णु को सपोर्ट भी कह रहे कि वो तो निर्दोष है। अच्छा थोड़ी है, अब विष्णु जाके अपना पत्नी से गंदा गंदा वीडियो बनवाता था नहीं, वो तो बेचारा था, उन्होंने तो शादी करवाती जिससे वो चाहती थी। अच्छा एक ऐसा पति है कि मतलब भाई को शादी करा देगा, मालती सही है, मालती सही, दोनों में कोई सही नहीं, कोई ना लो यार, दोनों में कोई सही नहीं, कोई नहीं सही है, तो सबसे ज्यादा दोषी कौन है? हमने कहा मर जाइयो, आए हमने काहे नहीं मर रहे हैं, क्योंकि हम लोग समाज को एक करने का काम कर रहे हैं, हमने गंदा गंदा वीडियो बनाते हैं, आए जाइए ना, बिना मानवीय को क्या समझते हैं, ऐसी चल जाती है हर जगह पे, काहे समाज में ये सबको जोड़ने का काम कर रही हैं, चाहते तो ये भी नहीं अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे चाहिए करें क्या दीदी? हाँ बिल्कुल, हम देखिए हम दिल्ली गए थे, देखिए हम जब बताए थे कि अभी जब हम जीबी रोड सुधार रहे थे उसको, तो हम एक से पूछे कि आए दीदी आप इस तरह का आप जो करती हैं, आप तमाम महिलाओं को काहे नहीं ऐसे करती हैं या रोड पे आके काहे नहीं करती, तो कहती हैं हाथ जोड़ के कि देखिए हम किस परेशानी के वजह से इस दलदल में आए, हम सबको नहीं ना ला सकते हैं, सही बात, सही हम अपने अपने तो हम इमें है ही हैं और किसी को क्यों तो वो दर्द का पात्र है, वैसी महिलाएं तो दर्द का नहीं पात्र है, दर्द में गई थी, लेकिन ये वो लोग क्यों नहीं समझ रही है, ये कहीं नहीं समझ रही है भेलपुरिया भौजी की, भाई हम अपने तरह लोगों को बना रहे हैं, चलिए बस एक आखिरी सवाल, अब आप लोग क्या करने वाले जो ऐसे पुरुष उसको एक टास्क दिए हैं, बाबू की बेबी का पुतला जलाने का टास्क उसको मिला है कि तुम अगर अपने
कुकर्मों को जो गलती हुई तुमसे उसका प्रायश्चित करना चाहती हो तो तुम हमें उसका पता दो और वो पुतला तुम्हें खुद जलाना है वहाँ खड़े होके, तब हम जानेंगे कि तुम गंदगी साफ करने के लिए अब एक अच्छा बच्चा बने। इसके लिए कोई लीगली कानूनी कार्रवाई कानूनी अभी मान गए तो वेल गुड, अगर ये क्या करेगी अब गंदा वीडियो बनाना बंद करेगी, बाबू की बेबी के हम दुश्मन तो नहीं है लेकिन वो जो ये पेंटी वो क्या बोलता है साला क्या बोले उसको, भाषा जो है ना गंदा इधर, अरे पति पत्नी हर पति पत्नी रूम के अंदर क्या करता है सबको पता है, तो क्या वो हम लोगों को समाज में दिखाएगा, हमारा 16 साल 17 साल का बच्चा लोग देख के उत्तेजित होके जाके बाहर रेप कर देगा उस हरामी के कारण। यही सब के कारण आज बलात्कार जैसे शब्द का जो है ना प्रयोग किया जाता है। हमारे दीदी ठीक बोल के है, गाँव देहात के ढेला पोछनी कहीं की तोरा कीपैड मोबाइल न चलावे आवे हलो, मोबाइल मिल गेलो है तो भतार के साथ अलबला रही है, तो कम अलबलाइए आप लोग, वीडियो जो बनाते है ना सभ्य तरीका से बनाइए, क्योंकि हमारी जितनी बहन वीडियो देख रहे हैं ना दीदी, अब आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपका भाई अकेला है, हमको जितनी दीदी लोग सपोर्ट करेगी तब अच्छा रहेगा। और बस थोड़ा जो है आप भी भाषा का मर्यादा रखिए ना, हमरा भैया हम लड़का ही हमरा लग कोई दिक्कत नहीं, हमरे लबे जान के महिलाओं का ऊपर चप्पल ना देखा, अरे भाई के बात, महिला ही ने राक्षसनी समझो जा चुकी बोल रहे हैं, अरे भैया दुर्गा मैया के रूप में भी जानते ना, दुर्गा मैया जब ऐसे बन रहती ना तो अगल बगल में ना राक्षसनीय के वध कर रहे थे ऐसा नहीं।